महोदय, एक सिंगल विंडो पोर्टल परिवेश जो कि सिंगल विंडो पोर्टल था, इसे 2018 में शुरू किया गया था। इससे अनुमोदन के लिए अपेक्षित समय में पर्याप्त कमी की जा सकी है। इस पोर्टल के दायरे को अब और बढ़ाने का हमने विचार किया है, जिससे कि आवेदक जानकारी प्राप्त कर सकें, इकाइयों की अवस्थिति के आधार पर विशेष प्रकार के अनुमोदनों के बारे में जानकारी दी जाएगी और 4 जो अप्रूवल होते हैं उसे एक फॉर्म के माध्यम से दिया जाएगा और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर ग्रीन सीपीसी ग्रीन के माध्यम से ट्रैकिंग की जा सकेगी। ई पासपोर्ट जारी किए जाने लगेगा, जिसे एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके 2022-23 में किया जा सकेगा, जिसे नागरिकों को अपने विदेश की यात्रा करने में और अधिक सुविधा होगी। जब भारत 100 साल का हो जाएगा तो इसकी संभावना यही है कि हमारी आधी से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही होगी। इस स्थिति के लिए तैयार होने के लिए एक सुव्यवस्थित शहरी विकास बहुत महत्वपूर्ण है। इससे देश की आर्थिक क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा, जिसमें जनसांख्यिकी लाभांश के लिए आजीविका संबंधी अवसर भी आते हैं। इसके लिए हम मेगा सिटीज के पोषण की जरूरत है। आसपास के क्षेत्रों को आर्थिक विकास के वर्तमान केंद्रों के रूप में विकसित करने की जरूरत है। दूसरी ओर हमें टायर 2 और टायर 3 शेष शहरों में सुविधा प्रदान किए जाने की जरूरत है, जिससे कि भविष्य के लिए इनको एक बाह्य कवच के रूप में तैयार किया जा सके। इसके लिए यह जरूरी है कि हम अपने शहरों को जीवन के दीर्घकालिक रास्तों के केंद्र के रूप में देखें, जिसमें सभी के लिए विशेषकर महिला और युवकों के लिए अवसर उपलब्ध हो। ऐसा होने के लिए शहरी नियोजन का सामान्य दृष्टिकोण का चलाना संभव है और इसके लिए हम ऐसे कुछ संगठनों का गठन करेंगे जो कि शहरी क्षेत्रों में क्षमता विकास, नियोजन, कार्यान्वयन और प्रशासन के बारे में सिफारिशी करेगा। शहरी क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी। भवन संबंधी उपनियमों के आधुनिकीकरण, टाउन नियोजन योजनाएं, परिवहन उन्मुखी विकास लागू किया जाएगा। इससे जन परिवहन व्यवस्थाओं के साथ लोगों के रहने और निकटता से कार्य करने संबंधी सुधार होंगे। सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं और अमृत योजनाओं के लिए दी जाने वाली केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता का लाभ टीओडी और टीपीएस के माध्यम से राज्यों को किया जाएगा। जहां तक भारत का विकास करने के लिए और शहरी नियोजन और डिजाइन में भारत विशिष्ट ज्ञान विकसित करने और इन क्षेत्रों में प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 5 मौजूदा शैक्षिक संस्थाओं को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में अभी चिन्हित किया जाएगा। इन केंद्रों को प्रत्येक के लिए 250 करोड़ रुपए की दाय निधि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद पाठ्यक्रम गुणवत्ता सुधारने तथा अन्य संस्थाओं में शहरी नियोजन पाठ्यक्रमों की सुलभता के लिए अग्रणी की भूमिका निभाएगी। हम शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के रूपांतरण को बढ़ावा देंगे। इसे स्वच्छ तकनीकी और शासन समाधानों, विशेष शून्य जीवाश्म ईंधन नीति और ईवी वाहनों के साथ आवागमन जोन द्वारा संपूर्ण किया जाएगा। बैटरी अदला बदली नीति, बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थान की कमी पर विचार करते हुए एक बैटरी अदला बदली नीति लाई जाएगी तथा अंतर प्रचालनीय तैयार किए जाएंगे।